I thank MIG Group and very specifically लड्डा जी, चांडक जी, जाजू जी, इनको सबको मैं धन्यवाद देता हूँ कि आज मुझे एक ऐसे ग्रुप से इंटरेक्ट करने का मौका मिल रहा है जो मैं ऐसा समझता हूँ कि इकोनॉमिक इंडिया के यदि इकोनॉमिक हिस्ट्री की यदि हम बात करते हैं तो माहेश्वरी समाज और माहेश्वरी लोगों का कंट्रीब्यूशन ये इंडिया के इंडस्ट्रियल हिस्ट्री के अंदर बहुत बड़ा मायने रखता है. एंड आई सल्यूट दिस पर्टिकुलर कम्युनिटी दैट व्हेनेवर देर इज अ ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज फॉर द कंट्री दिस कम्युनिटी has always come forward for growth of this country. So Jai Mahesh, I have pleasure of interacting with you today. And my goal today is only simple, that I want you to become a globalized global player, a global citizen, and your business should be part of the global economy. मुझे बहुत खुशी हुई जब जाजू जी ने कहा कि भाई कितने लोग आउट ऑफ कंट्री ट्रैवल किए हैं, तो काफ़ी लोगों के हाथ ऊपर हुए. सो यू आर ऑलरेडी एक्सपोज टू द ग्लोबल नेचर ऑफ दिस इकोनॉमी, बट वेरी फ्यू आर पार्टिसिपेटिंग इन ग्लोबल इकोनॉमी. Life begins at the end of your comfort zone. Normally हम हमारे business में एक अच्छा सा comfort zone बना लेते हैं और फिर हम actually है ना वो comfort zone में बैठ के जितना भी best हो सकता है उतना best करने का हम प्रयत्न करते हैं. But हर आदमी ने एक तो काम ऐसा करना चाहिए जिससे उसका कंफर्ट जोन जो है ना ये पूरा हल जावे और डिस्टर्ब हो जावे एक्चुअली, क्योंकि आदमी की जो क्रिएटिविटी जो है या कंफर्ट जोन के बाद में जाने के बाद में जो है ना उसकी क्रिएटिविटी बहुत बढ़ जाती है. हाँ, जैसे आपने कहा कि मैंने L&T छोड़ने के बाद में दो चार फेल्यूर्स देखे एंड देन आई केम टू द डिस्कम्फर्ट जोन एंड देन माय क्रिएटिविटी रियली स्टार्टेड. तो डिस्कम्फर्ट जोन नेचुरली आ जावे उसके पहले हम डिस्कम्फर्ट जोन खुद होके बुलाना चाहिए, खुद होके हमने बुलाना चाहिए. तो मेरा गोल यही रहेगा कि एट द एंड ऑफ द टूडेज टॉक यदि मैं आपके माइंड में मैं एक्सपोर्ट कर सकता हूँ और मैं करूँगा इतना इतनी एक कल्पना यदि मैं आपके माइंड में बो सकता हूँ तो मुझे लगता है कि आज मेरा यहाँ आना बहुत व्यर्थ होगा, व्यर्थ नहीं होगा. अब ये सभी के लिए इम्पॉर्टेंट क्यों है? आप एक्सपोर्टर है तो भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, आप एक्सपोर्टर नहीं हैं तो भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है. ये सभी के लिए इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि हम आज ग्लोबल इकोनॉमी के पार्ट है. एक्चुअली वी आर पार्ट ऑफ ग्लोबल इकोनॉमी. हाँ, किसी का भी बिजनेस जो है
ये ग्लोबल इकोनॉमी से इंसुलेटेड नहीं है। आपके हर एक के जेब में शायद एक आधी आइटम ऐसी होगी जो इस कंट्री में बनी नहीं है करके, आपके घर में कई आइटम ऐसी होगी जो चाइना से आई है। सो यू आर ए पार्ट ऑफ अ ग्लोबल इकोनॉमी, ऐसा आप हो ही नहीं सकता कि यू आर नॉट ए पार्ट ऑफ ग्लोबल इकोनॉमी, यू आर ए सिटीजन ऑफ दिस ग्लोबल इकोनॉमी, यू कैन नॉट रिमेन आइसोलेटेड। और कल मैं जब आने आ रहा था तो मुझे ऐसा लगा, मैंने कभी सोचा नहीं था, बट देन आई थॉट कि भाई माहेश्वरी इंडिया के बाहर कितने हैं करके, मेरे दो तीन कस्टमर माहेश्वरी इंडिया के बाहर है, बट देन आई कॉल वन ऑफ माय माहेश्वरी फ्रेंड जो बहुत ट्रैवल कर चुका है, एंड देन ही टोल्ड कि दुनिया में कोई कॉर्नर ऐसा नहीं है जहाँ पे माहेश्वरी नहीं है, बट देर आर लॉट मेनी माहेश्वरीज, मोर देन 1 लाख पीपल, अराउंड 25,000 पीपल इन यूनाइटेड स्टेट्स इट्सेल्फ। तो माहेश्वरी लोगों के लिए होल ग्लोब जो है यह कोई नई जगह नहीं है। आप सभी सुनते आए हैं मेक इन इंडिया मेक इन इंडिया मेक इन इंडिया, बट नरेंद्र मोदी जी है इस देश को यदि सही में मेक इन इंडिया करना है वो अकेला आदमी नहीं कर सकता एक्चुअली, अनलेस वी ऑल पार्टिसिपेट इन दिस मूवमेंट ऑफ मेक इन इंडिया। जापान की एक कंपनी आके DMIC के अंदर प्रोडक्शन करेगी और हमारे सभी लोगों को मोबाइल बेचेगी, दैट इज नॉट ए मेक इन इंडिया, दैट इज नॉट मेक इन इंडिया। व्हेन वी मेक समथिंग इन इंडिया और जैपनीज पीपल मेक समथिंग इन इंडिया एंड दे सप्लाई टू ऑल द वर्ल्ड, दैट इज मेक इन इंडिया। अभी मेरे को कुछ थोड़ा सा आपसे फीडबैक लेना था, तो उसमें का कुछ फीडबैक तो एक्चुअली रेडीमेडली जाजू सर ने ले लिया, बट स्टिल आई विल आस्क यू 2 questions। प्लीज रेज हैंड्स इफ यू आर सेटिस्फाइड विथ योर बिजनेस एंड प्रॉफिट मार्जिन्स, आपका बिजनेस और प्रॉफिट मार्जिन से आप सेटिस्फाइड है तो हाथ ऊपर कीजिए। Please raise your hands if you do not want to increase your profits. Export is high turnover, high margin business. और यदि आपको आपके business का profit बढ़ाना है, I don't think you have any choice other than going global। और यदि आप global नहीं जाते हो तो there is a danger that over a period आपका business बंद हो जाएगा। यदि आप global नहीं जाते हो तो over a period आपका business बंद भी हो सकता है actually। For your survival you will have to go global। मुझे लगता है कि आज से उस डायरेक्शन में सोचने की बहुत जरूरत है। मैं ये कुछ पॉइंट्स कवर करूंगा, वहाँ एक्सपोर्ट हमारे कुछ एशियन ट्रेडिशंस है उसके बारे में बात करेंगे, फिर एक्सपोर्ट के बारे में कुछ मिथ्स है, कुछ भ्रम्स है लोगों के माइंड में, उसके ऊपर थोड़ा सा अपन डिस्कस करेंगे। देन पार्टिसिपेटिंग इन एग्जीबिशन, इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। यूज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड ब्रेकिंग द बॉर्डर्स, ये ऐसा थोड़ा सा हम इस ये पूरे सब्जेक्ट के ऊपर
हम आगे बढ़ेंगे। ये मेरा हर बार का सवाल होता है। एक बार मैं सातारा गया था, सातारा के इंडस्ट्रियल एसोसिएशन में मेरा लेक्चर था और मैंने यही सवाल उनको पूछा था सभी को कि विच इज़ योर ड्रीम हॉलीडे डेस्टिनेशन, विच इज़ योर ड्रीम हॉलीडे डेस्टिनेशंस। तो किसी ने कहा थाईलैंड पटाया, किसी ने कहा स्विट्ज़रलैंड, किसी ने कहा यूनाइटेड स्टेट्स, हाँ हर एक ने अपना अपना ड्रीम डेस्टिनेशन कहा। उसके बाद में मेरा सवाल था कि विच इज़ योर ड्रीम बिजनेस डेस्टिनेशन, विच इज़ योर ड्रीम बिजनेस डेस्टिनेशन, हाँ तो किसी ने कहा पूना, किसी ने कहा मुंबई। एक्चुअली आप सभी माहेश्वरी हो, आप इस बात को बहुत अच्छी तरह समझ सकते हो कि खर्चा करने के लिए मैं फॉरेन जाऊंगा और इनकम करने के लिए अपने भाई के जेब में हाथ डालूंगा, ऐसा ज्यादा दिन नहीं चलेगा। हाँ सभी लोग अपने भाई के जेब में हाथ डालने लगेंगे तो हमारा पॉपुलेशन बहुत बड़ा है। देर विल बी लॉट ऑफ कॉम्पिटिशन एंड देर विल नॉट बी एनी मार्जिन। एक छोटा सा एग्जाम्पल दे दूंगा, शायद आप बहुत अच्छी तरह से उसको रिलेट कर पाओगे। भाई एक्सपोर्ट, मैं एक मारवाड़ी गली में पैदा हुआ हूँ और मेरे फ्रेंड सर्कल के अंदर बहुत सारे मारवाड़ी हैं, बहुत सारे मारवाड़ी। कई बार हम रात को पत्ते खेलने बैठते हैं, रमी, एक रूम में 10-12 लोग बैठते हैं और एक बैंकर बनता है, टोकन बांट लेते हैं, अपना रमी खेलते हैं। रात भर खेल लेने के बाद में कोई एक आधा थोड़ा प्लस में हो जाता है, कोई एक आधा थोड़ा सा माइनस में हो जाता है। बट आपको पता है क्या कि वो रूम में, इफ यू रूम यू टेक एज ए बॉर्डर, टोटल सम ऑफ मनी विच वॉज देयर इन द रूम व्हेन यू बिगेन द गेम और सवेरे कितना रहेगा टोटल सम? सेम, आर यू श्योर सर? सर चिवड़ा आता है, चाय आती है, तारा का पान आता है, एट द एंड ऑफ द गेम वो जो कॉस्ट एंड ओवरहेड्स जो है वो बाहर चले जाते। सो द होल ग्रुप इज इन माइनस, होल ग्रुप इज इन माइनस। यदि हम आपस में ही धंधा करते रहेंगे, मैं आपको कपड़ा बेचूंगा, आप मेरे को जूता बेचेंगे, मैं आपको पेन बेचूंगा, ये उसको वो बेचेगा, आपस में ही धंधा करते बैठेंगे तो एज ए कंट्री वी विल बी ऑलवेज इन माइनस। तो एज ए कंट्री, एज ए ग्रुप यदि हमें प्लस होना है तो हमें अमेरिका वाले से रम्मी खेलना पड़ेगा, बराबर है? आपस में रम्मी खेल के काम नहीं बनेगा। आप कहेंगे यार सुनील भाई ये एग्जाम्पल देना था, कोई अच्छा देना था, ये रमी का क्या एग्जाम्पल दे रहे हो? हाँ बट आई एम श्योर कि इसके पीछे का पॉइंट जो है ये आप पकड़ पाओगे। हाँ आई विल गिव जस्ट वन एग्जाम्पल ऑफ ए वेरी स्मार्ट माहेश्वरी, मिस्टर आदित्य बिरला, जो
फॉरेन से जब वापस आए पढ़ाई करके, उनके दादाजी घनश्याम जी बिरला जो थे, उन्होंने कहा था कि भाई आप यू लुक आफ्टर द एल्यूमिनियम बिजनेस, एल्यूमिनियम बिजनेस इज फ्लरिशिंग. ही टोल्ड नो, मुझे ये कपड़े का और रेयॉन का बिजनेस दे दीजिए, एक्चुअली आई विल लाइक टू हैंडल इट इन ऑन माई ओन वे. एंड ही टुक अप अ डिफिकल्ट प्रपोजिशन आफ्टर कमिंग फ्रॉम एजुकेशन. ही टुक ओवर द सिंकिंग रेयॉन एंड टेक्सटाइल बिजनेस. Around 1965 he came to India after education, and 1969, just 4 years after his coming to India, he started focusing on setting up a unit in Thailand, and he set up a company, Indo-Thai Synthetics Company Limited. In those days जब मोबाइल नहीं होता था, जब मोबाइल नहीं होता था, हाँ, जब इंडियन गवर्नमेंट बाहर जाने के लिए $500 यदि चाहिए तो फाइनेंस मिनिस्टर का फ़ोन कराना पड़ता था आरबीआई को, तो $500 मिलते थे. ऐसी परिस्थिति में ही स्टार्टेड अ कंपनी विच इज़ आउटसाइड इंडिया. Today his group is one of the most diversified MNC of India. तो export का जो महत्व है, जो 69 में उसने समझा था और आज महत्व जो है उतना ही महत्व है, कि यदि हम सिर्फ इंडियन मार्केट पे ध्यान देंगे तो नहीं चलेगा करके. थोड़ी सी मेरा खुद का एग्जांपल मैं देता हूँ कि ग्रेजुएशन के बाद में मैंने कुछ यूनिट्स चालू किए, औरंगाबाद में चालू किया, जालना में चालू किए, एक चार पांच अलग अलग वेंचर्स मैंने चालू किए. एक समय ऐसा आया था कि देयर वाज लॉट ऑफ फ्रस्ट्रेशन कि यार अपन जो भी कर रहे हैं हाँ रिजल्ट तो आ नहीं रहा है करके. और मेरे औरंगाबाद के जो दोस्त लोग थे, श्याम राठी वगैरह सब मेरे फ्रेंड सर्कल थे, तो वो मेरे को बोलते थे कि सुनील जालना में क्यों सड़ रहा है, औरंगाबाद आ जा, बजाज का बहुत सारा काम मिल जाएगा, कुछ न कुछ काम मिल जाएगा यहाँ पर, हाँ. और दिल से बोलते थे ऐसा, क्योंकि उनको लगता था ये यार सुनील प्रॉब्लम में है, ही शुड कम डाउन टू औरंगाबाद. एक वक्त ऐसा आ गया कि मैंने डिसाइड कर लिया कि यार ये बोल रहे हैं दोस्त लोग, चलो जाते हैं एक बार बात करते हैं उनसे. मैंने बात किया उनसे तो उन्होंने कहा भाई ऐसा ऐसा है, औरंगाबाद आ जा, कुछ ना कुछ अपन जुगाड़ जमा लेंगे करके. मेरे पूना के दोस्तों को पता चला कि सुनील इज थिंकिंग कमिंग टू औरंगाबाद, तो उन्होंने मेरे को बुलाया. उन्होंने कहा अरे औरंगाबाद में क्या रखे वाला है, औरंगाबाद से तो पूना बस थे, जब तेरे को छोड़ना ही है तो व्हाई डोंट यू कम टू पूना, यहाँ पे बहुत अपॉर्चुनिटी है. मैं बोला बात तो पते की है, ठीक है भाई, सोचता हूँ. उतने में कुछ बॉम्बे के जो दोस्त थे उनको पता चला, उनका फ़ोन आया, कह रहे सुनील तू यदि जालना छोड़ना ही है कम बैक टू बॉम्बे, पुणे में क्या रखा है, बोले कुछ भी नहीं है, जो मज़ा बॉम्बे में है ना वो पुणे में है ही नहीं. बोला ठीक है भाई, बात बराबर है, चलो बॉम्बे जाते हैं.
बॉम्बे के हमारे दो तीन इंडस्ट्री वाले थे, उनको पूछा मैं कैसा चल रहा है यहाँ पर बिजनेस वगैरह कैसा है, आई एम थिंकिंग ऑफ कमिंग टू मुंबई। उन्होंने कहा पूना से तो बॉम्बे बहुत बढ़िया है, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर तू इतना टैलेंटेड आदमी है, यहाँ पे क्यों सड़ता है, अमेरिका चले जा, जो मज़ा वहाँ पे है ना वो इंडिया में नहीं छे। इंजीनियरिंग कॉलेज के हमारे काफ़ी फ्रेंड्स यूएस के अंदर काम करते थे, उसमें से एक अच्छे सक्सेसफुल को मैंने बात किया कि भाई हाउ इज़ अपॉर्चुनिटी देयर, हाउ इज़ अपॉर्चुनिटी देयर। तो उसने कहा कि सुनील बिजनेस इज फैंटास्टिक हियर, नो प्रॉब्लम, बट मैन्युफैक्चरिंग इज़ वेरी डिफिकल्ट, मैन्युफैक्चरिंग इज़ वेरी डिफिकल्ट। If you have any land near Aurangabad in Jalna, I will like to start factory there. सारे दुनिया की नज़र जो है हमारे एरिया पे है, इंडिया के ऊपर है कि this is the best place for manufacturing actually. और हमें हमारे एरिया का पोटेंशियल जो है हमें नहीं समझता है। यदि मुझे कोई कहे कि विच इज़ द बेस्ट प्लेस टू स्टार्ट ए मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इन इंडिया, आई विल से इट इज़ बिटवीन औरंगाबाद एंड जालना एक्चुअली। तो ये पूरा स्ट्रगल करके जालना में चल रहा था हमारा जुगाड़, और उसके बाद में 1999 में एक काफ़ी डिप्रेशन आया था, इंडस्ट्री के अंदर माहौल बहुत डाउन था। मेरे जितने भी कस्टमर थे, निर्लेप, एनआरबी, इंड्योरेंस, ये सभी मेरे कस्टमर का कहना ऐसा था कि यार सुनील अभी जो मशीन है ना उसका प्रोडक्शन ही बिक नहीं रहा है, तुम एसपीएम की क्या बात करते हो, अभी साल दो साल तो आपको राह देखना पड़ेगी। जब तकलीफ आती है तो उसके रास्ते भी निकलते हैं। उस पीरियड में एक एडवर्टाइज आई टाइम्स ऑफ इंडिया में कि दिल्ली में एक एग्जीबिशन लग रहा है प्लास्ट इंडिया, तो मैं वो एग्जीबिशन पार्टिसिपेट करने के लिए, मेरा पहला पार्टिसिपेशन इन द एग्जीबिशन इन दिल्ली, मैं जिंदगी में कभी भी जालना औरंगाबाद के कंफर्ट जोन से बाहर निकला नहीं था, बट देन आई डिसाइडेड कि अपन दिल्ली में जाके एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट करेंगे। और पहला एक्सपोर्ट ऑर्डर वह एग्जीबिशन में हमें मिला, फिजी करके जो छोटा सा कंट्री है, वहाँ से ये ब्लू टी शर्ट में जो सरदार जी है, ही इज़ ओरिजिनली फ्रॉम पंजाब बट सेटल्ड इन फिजी, उसने आके कहा कि भाई मशीन के बारे में उसने सब इंक्वायरी की, हमने मशीन का प्राइसिंग वगैरह सब दे दिया, उसको मशीन बहुत पसंद आई, और एट द एंड ऑफ द डिस्कशन उसने जेब में से कार्ड निकाला और हमारे हाथ पे दिया और कहा कि आई एम मिस्टर जैक फ्रॉम फिजी। मैं तब तक उसको इंडियन ही समझ रहा था, आई एम जैक फ्रॉम फिजी, हाँ आई वॉन्ट दिस मशीन फॉर फिजी, तो मुझे डॉलर में प्राइस दीजिए। मैंने जिंदगी में कभी डॉलर में प्राइस दी नहीं थी, बट इंजीनियरिंग का स्टूडेंट था, टाइम्स ऑफ इंडिया के अंदर डॉलर का रेट उस समय चल रहा था 32-33 रुपए,
यानी भूखे शेर के सामने मांस का टुकड़ा डाल देवे तो वो पूछता नहीं है कि ये कौन से जानवर का है करके, हाँ वह सामने आव नहीं देखा, ताव नहीं देखा, इंडियन प्राइस डिवाइडेड बाय डॉलर जो प्राइस आई तुरंत मैंने उसको डॉलर में प्राइस दे दी। तो सरदार जी का दूसरा क्वेश्चन था FOB और CIF, मैंने सरदार जी को कहा सरदार जी आप बोलेंगे ना तो FOB कर दूंगा, आप बोलेंगे तो CIF कर दूंगा, क्योंकि मुझे कुछ भी पता नहीं था कि FOB क्या होता है, CIF क्या होता है। बट सरदार के माइंड में मैसेज चले गया कि ये बंदा ईमानदार है, ये बंदा ईमानदार है। उसने कुछ नहीं देखा, बोला FOB कर दो, एक प्रोफार्मा इनवाइस बनाओ और मुझे मेल कर दो, आई एम गोइंग टू गिव यू ऑर्डर। मैंने मेरे लाइफ का सबसे पहला प्रोफार्मा इनवाइस बनाया, अब इसके डिटेल में जाएंगे तो बहुत टाइम चले जाएगा। ये मेरा पहला एक्सपोर्ट ऑर्डर हुआ, पहला लेटर ऑफ क्रेडिट आया मुझे, पहला बैंकों के साथ इनकाउंटर हुआ जहाँ पे मेरा लोन रिफ्यूज़ हो गया, उसमें से भी हम बाहर निकले और इस प्रकार वो मशीन फाइनली बनकर फीजी चले गया। और मेरा उस समय जो मेरा सुपरवाइज़र था मिस्टर प्रसाद देशपांडे, हाँ ही वेंट फॉर कमीशनिंग द मशीन टू फीजी। बहुत डर लग रहा था कि हम मशीन भेज रहे हैं वो मशीन वहाँ पर जाके चालू नहीं हुई तो सरदार जी और प्रसाद देशपांडे को वापस ही नहीं भेजेगा। तो प्रसाद को बहुत अच्छी ट्रेनिंग दी, मशीन में जहाँ एक बोल्ट लगता है एक एक्स्ट्रा रखे, जहाँ एक टाइमर लगता है एक एक्स्ट्रा रखे, जहाँ जहाँ भी पॉसिबल था कि यार इसके अंदर कुछ गड़बड़ हो सकती है, एक स्पेयर्स का पूरा डब्बा बनाए वो मशीन के साथ भेज दिए कि भाई वहाँ पे जाने के बाद में वो प्रसाद को मार्केट से कुछ भी लाने का काम नहीं पड़ना चाहिए। कस्टमर वाज सो हैप्पी कि उसने आज तक उसने करीब करीब 7 या 8 मशीन ले चुका है वो, पर उसने एक बार मेरे को फीडबैक दिया था कि वो पहले मशीन के साथ आपने स्पेयर का जो बॉक्स भेजा ना बाद में एक मशीन में उतना बड़ा क्यों नहीं भेजे करके। सो अ सटिस्फाइंग अ ग्लोबल कस्टमर इज ए मस्ट एंड दैट इज नॉट वेरी वेरी डिफिकल्ट, एक्चुअली दैट इज नॉट वेरी वेरी डिफिकल्ट। कई मशीन में मेरे एक्सपोर्ट में प्रॉब्लम आए हैं बट द वे यू अटेंड द प्रॉब्लम, आपका एटीट्यूड जो होता है यह काउंट होता है एक्चुअली। हाँ उसके बाद में हमने कभी पीछे नहीं देखा, हाँ हम अलग अलग एग्जीबिशंस में पार्टिसिपेट करना चालू कर दिए। टुडे वी हैव पार्टिसिपेटेड इन कजाकिस्तान, चाइना, वियतनाम, थाईलैंड, इंडोनेशिया, देन दुबई, सऊदी अरबिया, अर्जेंटीना, मेक्सिको, ये सभी जगह पे हम अभी एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट करते हैं। और यह सारे कंट्री जो है यह सभी जगह पे हम आज एक्सपोर्ट करते हैं। मेरा जो पहला एक्सपोर्ट का कंसाइनमेंट जब जा रहा था तो यह एक छोटी सी स्टोरी है, हाँ मैं आप सबसे शेयर करना चाहूँगा। कंसाइनमेंट रेडी था फीजी के लिए, कंटेनर रेडी थे, तारीख फिक्स हो गई थी, एक दिन पहले मिसेस ने घर पे कहा कि अपन सत्यनारायण की पूजा करेंगे फिर ही मशीन डिस्पैच करेंगे करके।
नॉर्मली मैं फैक्ट्री में मैं पूजा पाठ वगैरह इसमें मैं मानता नहीं हूँ, बट इतना इम्पॉर्टेंट इवेंट था और इस इवेंट के अंदर मिसेस को नाराज़ करना, इतना रिस्क मैं नहीं ले पाता। इसलिए मैंने कहा मिसेस को कि सत्यनारायण की पूजा करना है ज़रूर कर लो, 11 बजे एक्चुअली कंटेनर रवाना करना है, तो अर्ली इन द मॉर्निंग 7 बजे अपन पूजा कर लेते हैं, 8-9 बजे तक सत्यनारायण का पूजा फिनिश हो जाना। बाद में छोटा सा एक फ्रेंड सर्कल का गेट टुगेदर रखा था और कंटेनर डिस्पैच करना था एक्चुअली। और नॉर्मली सत्यनारायण की पूजा में ब्राह्मण जो बात करता है वो समझता भी नहीं है कि वो क्या बोल रहा है करके, बट उस दिन मेरा नसीब बहुत अच्छा था कि हमारे गली के ही एक दायमा करके सत्यनारायण की कथा करने वाले महाराज जो है वह आए वाले थे, और उनके हिंदी के उच्चारण जो थे बहुत स्पष्ट थे एकदम, और उन्होंने सत्यनारायण की कथा जो की और उसमें की एक छोटी सी कहानी, जो सत्यनारायण की कथा बोले तो कहानियाँ रहती है एक्चुअली, शायद आपने सुनी होगी, पर एक कहानी उन्होंने बताई। तो वह कहानी ऐसी थी कि एक गरीब लकड़हारा था, अपने पत्नी के साथ एक छोटे से विलेज में वह रहता था। अपने घर के सामने ही एक्चुअली वो लकड़ी की हाट जो बोलते हैं उसको, वह मांड के एक दुकान मांड के बैठता था। वो दोनों की परिस्थिति बहुत ख़राब थी। एक दिन उसकी मिसेस आके उसको कहती है कि मुझे किसी ने कहा कि हम यदि सत्यनारायण का व्रत रखते हैं तो हमारे अच्छे दिन आ जाएंगे। तो दोनों मिलके डिसाइड करते हैं कि अपने अच्छे दिन आ गए तो अपन जरूर सत्यनारायण की पूजा रखेंगे, ऐसा प्रण करते हैं। और दूसरे दिन सवेरे वह लकड़हारा, उसकी वाइफ उसको खाना वगैरह बना के देती है, और वह जंगल में जाके लकड़ी तोड़ता है और एक दूर धनिक शहर में जाके बेच के आता है, उसको अच्छा भाव मिलता है, उसका नित्य क्रम हो जाता है कि रोज़ सवेरे उठना, अलग अलग धनिक शहर में जाना और माल बेचकर आना। धीरे धीरे उनके बहुत अच्छे दिन आ गए, और उसकी मिसेज ने याद दिलाया उसको कि अपने को सत्यनारायण की पूजा करनी है, तो वो सत्यनारायण की पूजा करते हैं। बोलो सत्यनारायण भगवान की। उस दिन मुझे ये कथा का मतलब जो है ना पहली बार समझा मुझे, वह सत्यनारायण की, सत्यनारायण भगवान की यदि इच्छा होती थी तो वो झोपड़पट्टी का कुछ बहुत मजबूत नहीं था एक्चुअली, उसको फाड़ के पैसे डाल देते थे। वैसे तो आरसीसी को भी फाड़ सकते हो, पर भगवान भी जो है ना आपको आइडिया देता है, आपको आइडिया देता है, पैसा नहीं देता है। आप उसके माइंड के अंदर, सालों से लकड़ी का धंधा कर रहा है, उसके माइंड में ये आइडिया कभी आया नहीं कि मैं कोई धनिक शहर में जाकर बेचूं। वो रोज वही शहर में बेचता था, और वो शहर के लोग जो थे ना वो शातिर थे, उनको मालूम था कि ये बंदे का है ना शाम तक चूल्हा नहीं जला तो इसका लकड़ी का रेट कम हो जाता है, तो सवेरे कोई खरीदी करने को नहीं आते थे, सब लोग शाम को खरीदी करने आते थे, और वो भी आधे पैसे देते थे आधे उधार। जब से वो बाहर बेचना चालू कर दिया उसने तो शाम को लकड़ी खत्म हो जाती थी। वो शाम को जो गांव वाले आते थे तो उसके पत्नी को पूछते थे कहाँ है वो, वो बोलता था वो एक्सपोर्ट करने के लिए गया है। सब की हालत ऐसी है।
तो वो बोल के जाता था, विलेजर उसको बोल के जाता था उसकी पत्नी को, कहना कल के लिए 40 किलो लकड़ी मेरे लिए रखने को बोलो, ये पैसा एडवांस में ले। मेरा मशीन जो इंडिया में जो रेट में बिकता था, और मेरे को हाथ जोड़ के कम से कम एडवांस में ऑर्डर लेना पड़ता था, बहुत कम मार्जिन में मेरे को सप्लाई करना पड़ता था, वह सब चीज़ें बदल गई। जिस दिन मेरा एक्सपोर्ट चालू हो गया, मेरा डोमेस्टिक मार्केट बूम हो गया और उसमें मार्जिन भी बढ़ गया। वो निगोशिएट नहीं करता था, वो बोलता था सुनील भाई मेरे को कब दे रहे बोलो, क्वालिटी मेरे को एक्सपोर्ट की देना। जब तक आपका माल ऊंचे दाम में अच्छे मार्केट में नहीं बिकेगा, आपकी लोकल में भी कदर नहीं होगी। एन आइडिया कैन मेक ए डिफरेंस, एन आइडिया कैन मेक ए डिफरेंस, एन आइडियाज आर गिफ्ट ऑफ गॉड, आर गिफ्ट ऑफ गॉड। माहेश्वरी समाज में मैं बचपन से मैं ना बालाजी गली में बड़ा हुआ हूँ, बालाजी गली में बड़ा हुआ हूँ। हाँ, वो बाजू के मकान में पूजा होती है, वो चने फुटाने का प्रसाद देते हैं, एक चना भी नीचे गिर गया ना, प्रसाद गिर गया, यह अच्छी बात नहीं मानी जाती। हाँ, आइडियाज आर प्रसाद ऑफ गॉड, और हम एक्चुअली बहुत बार आइडियाज़ को है ना गिरा देते हैं। माइंड में आइडिया आती है पर हमें हमारे आइडिया के ऊपर भरोसा नहीं होता है। हाँ, बिलीव इन योर आइडियाज, बिलीव इन योर आइडियाज, इट इज़ अ गिफ्ट ऑफ गॉड, इट इज़ गिफ्ट ऑफ गॉड। दो सौ 58 कंट्रीज ये दुनिया में है, 55 कंट्री में मेरा एक्सपोर्ट ऑलरेडी हो रहा है, 203 कंट्री अभी बाकी है, 203 कंट्री अभी बाकी है। काफ़ी बार हमारे माइंड में जैसे जैसे हम एजुकेट हो जाते हैं, ग्रेजुएट हो जाते हैं, पीएचडी हो जाते हैं, तो कुछ कॉन्सेप्ट हमारे माइंड के अंदर बैठ जाते हैं, कुछ कॉन्सेप्ट हमारे माइंड में बैठ जाते हैं। उसमें का एक कॉन्सेप्ट यह है कि एक्सपोर्ट के लिए बहुत अच्छी क्वालिटी चाहिए, बहुत अच्छी क्वालिटी चाहिए, प्रोडक्ट बेस्ट चाहिए, एकदम पैकिंग बहुत अच्छा चाहिए, और एक्सपोर्ट के लिए बहुत इन्वेस्टमेंट करके सीएनसी मशीन्स वगैरह सब लगाना पड़ते हैं। एक्चुअली अपना काम नहीं, वो बड़े कंपनियों का काम है, छोटे कंपनियों का काम नहीं है। एक माइंड के अंदर डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमारे माइंड के अंदर ये बैठे वाला है एक्चुअली। हाँ, जाजू जी और लड्डा जी, ये 258 कंट्रीज जो है इसमें 30 कंट्री ऐसे है जहाँ पे हमारा माल बिना इम्प्रूवमेंट के नहीं बिक सकता, बिना इम्प्रूवमेंट के नहीं बिक सकता। आप ये चेयर अमेरिका में जाके बेचोगे तो उसमें स्क्रैच भी रहेगा ना, तो वो नहीं लेगा एक्चुअली। 30 कंट्री ऐसे है जहाँ पे हमारा माल डायरेक्टली बिना इम्प्रूवमेंट के, बिना इन्वेस्टमेंट के नहीं बिक सकता, बट 220 कंट्री ऐसे है, इफ़ यू आर सेटिस्फाइंग इंडियन कस्टमर, ये 230 कंट्री के लोगों को सेटिस्फाई करना
ये कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो मैं कहूँगा आपको कि एक्सपोर्ट का जो स्टार्टिंग पॉइंट है, इट इज़ अ कंट्री लाइक जाम्बिया एंड जिम्बाब्वे। हमने फिजी से चालू किया, लास्ट महीने में मेरा पहला कंसाइनमेंट यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में गया, मेरा पहला कंसाइनमेंट गया है। यू कैन स्टार्ट फ्रॉम जाम्बिया एंड स्लोली डेवलप योर क्वालिटी टू सप्लाई टू अमेरिका। सो दैट इज जेड टू ए कॉन्सेप्ट, जेड टू ए कॉन्सेप्ट। जाजू जी ने जब कहा कि सुनील भाई 55 कंट्री में काम करते हैं, तो मेरी कॉलर टाइट हो गई एकदम। हाँ, क्योंकि मुझे, मैं जहाँ जाता हूँ ना, वहाँ पे मुझे कहते हैं अरे 55 कंट्री में एक्सपोर्ट है इसका। तो कहीं ना कहीं माइंड के अंदर 55 कंट्री में एक्सपोर्ट जो है ये बैठ गया। जब मैं पहली बार चाइना गया, और चाइना में एक छोटा कंपनी है जो मेरे जैसा रोटो मोल्डिंग मशीन बनाता है, मुझे पता है कि उसका टर्नओवर मेरे से कम है, बट मैं वो कंपनी विजिट करने गया। अनफॉर्चुनेटली उसको इंग्लिश नहीं आता था और मुझे चाइनीज नहीं आता था। एक लड़की जो थी, जो दोनों को इंटरप्रेट कर रही थी, वो हमारी बातचीत करवा रही थी। तो जाजू जी, मैंने है ना, अंदर मेरे गर्व था, इसलिए मैंने पूछा उसको, लेडी को, कि उनको पूछो हाउ मेनी कंट्रीज दे आर एक्सपोर्टिंग। एक्चुअली मेरे को ये बोलना था कि मैं 55 कंट्री में करता हूँ करके। वो लड़की ने कुछ चाइनीज में उसको पूछा, उसने कुछ चाइनीज में जवाब दिया। वो लड़की ने कहा कि आपको क्या कहना है, वो समझा नहीं उनको। तो मैंने फिर से उसको पूछा कि भाई आई एम एक्सपोर्टिंग इन 55 कंट्रीज, उनको पूछिए कि वो कितने कंट्रीज में एक्सपोर्ट करते हैं। तो फिर उसके दोनों की कुछ बात हुई और उसका जवाब आया कि वी आर एक्सपोर्टिंग एवरीवेयर इन द वर्ल्ड, वी आर एक्सपोर्टिंग इन एवरीवेयर इन द वर्ल्ड। कोई भी कंट्री ऐसा नहीं है जहाँ पे चाइनीज माल हम नहीं बेचते हैं। वर्ल्ड को अपने बाप का मार्केट है, इतने कॉन्फिडेंस के साथ वहाँ का एक स्मॉल स्केल इंडस्ट्री वाला बात कर सकता है, और हम खाली 55 कंट्री में एक्सपोर्ट करते हैं, तो हमारी कॉलर हम टाइट करके घूमते हैं एक्चुअली। हाँ, ये पूरा वर्ल्ड हमारे लिए खाली है एक्चुअली। और एक्सपोर्ट जो है ये खाली प्रॉफिट के लिए करना है, ऐसा नहीं है। प्रॉफिट इज वन ऑफ द बिगेस्ट इंसेंटिव फॉर स्टार्टिंग द एक्सपोर्ट। बट आप जब एक बार एक्सपोर्ट चालू कर देते हो, तब आपको पता चलता है कि एक्सपोर्ट का बेनिफिट जो है ये खाली डॉलर नहीं है। देर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंट बेनिफिट्स विच एक्सपोर्ट गिव्स यू। हम उसके कुछ बेनिफिट के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले तो जो है ना, मार्केट के तरफ देखने का हमारा नज़रिया जो है ना, वही बदल गया एक्चुअली जब हमने एक्सपोर्ट चालू किया। एक्सपोर्ट चालू करने के पहले हमें बहुत लिमिटेड लगता था कि मार्केट बोले तो क्या है, ड्यूरावेयर, इंड्योरेंस, और अपने पहचान के 4-5-6 लोग, वालुज, इसके बाहर कभी गए नहीं। लकीली मेरे को एक ऑर्डर हैदराबाद का मिल गया था, तो हैदराबाद एक्सपोर्ट करते थे ना, तो मुझे ऐसा लगता था कि भाई वी आर डूइंग समथिंग ग्रेट, वालुज छोड़ के वी आर सेलिंग इट टू
हैदराबाद करके, हाँ, तो एक लिमिटेड मार्केट थे, प्लस लोकल कस्टमर, तो लोकल कस्टमर का तो ऐसा है कि वो शाम को ही आएंगे आपके घर पे, जब लकड़ी के भाव कम हो जाएंगे, उसको मालूम है कि ये सुनील के पास पैसे नहीं है, हाँ, इसको अभी अपन ऑर्डर देंगे ना, इसको ऑर्डर लेने के सिवा दूसरा कोई चारा नहीं है, हाँ, तो पहचान के लोगों से जब धंधा करते हो ना, तो आप कभी नहीं कमा सकते हो, कमाने के लिए आपको परायों से धंधा करना यदि सीखते हो तो आप दो पैसे कमा सकते हो। लोकल कस्टमर कुड नॉट एब्सॉर्ब द टेक्नोलॉजी, वी कुड रियली मेक वेरी गुड पीएलसी कंट्रोल मशीन, बट लोकल कस्टमर ऐसा बोलता था पीएलसी ना, नको, कॉस्ट कम कर। हम बोलते थे पैनल हम अच्छा बनाते करके, पैनल की कोई गरज नहीं, अपना मेन स्विच बस हो जाएगा करके, तो मेरे मशीन का क्वालिटी कैसे डाउन होता है। और व्हेन यू गो टू एक्सपोर्ट में वो लोग आपको गाइड करते हैं, आई वांट दिस। तो व्हेन यू हैव अ डिमांडिंग कस्टमर तो आपकी क्वालिटी बढ़ती है, और वो डिमांड के साथ में वो पैसा देने को भी तैयार होता है। ऐसा नहीं होता है कि भाई पीएलसी की मशीन दो और यू डोंट गिव इट द सेम कॉस्ट, ऐसा नहीं होता है। एक्चुअली वो बोलता है ठीक है कितना ज़्यादा लगता है लियो, बट आई वांट पीएलसी मशीन। तो आपका जो है ना टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन होता है। लोकल मार्केट में प्रॉफिट्स कम होती है, क्रेडिट बहुत होता है यहाँ पर, हाँ, मेरा आज 2001 से मैं एक्सपोर्ट कर रहा हूँ, मेरा मैक्सिमम पैसा डूबा है ना एक्सपोर्ट में नहीं डूबा है। और एक्सपोर्ट चालू होने के बाद में वर्ल्ड मार्केट कितना बड़ा है, एक एक्सपोजर आता है, एक दिल में से डर निकल जाता है, पूरा फोकस अपना जो है ना अपने बिजनेस के ऊपर हो जाता है कि अपन ये डेवलप करेंगे तो इधर का मार्केट मिलेगा, ये डेवलप करेंगे तो इधर का मार्केट मिलेगा है। तो ये एटीट्यूड जो चेंज होती है, दिस इज मोर इम्पॉर्टेंट देन डॉलर विच यू अर्न एक्चुअली। एक्सपोर्ट में डिमांडिंग कस्टमर होता है, और डिमांडिंग कस्टमर जिसके पास होता है ना उसका ग्रोथ होता है। हाँ, ये एक फ्रांस का कस्टमर है, जब मेरे पास जालना आया था तो जालना आने के बाद में उसने कहा कि भाई कंप्यूटराइज कंट्रोल विथ टच स्क्रीन यदि मशीन नहीं है तो आई जस्ट कैन नॉट बाय दैट, माय पीपल आर यूज्ड टू दैट। मैंने कहा ओके इफ यू वांट इट देयर विल बी एडिशनल चार्ज, वी विल गिव इट। और मुझे सही में नहीं मालूम था कि वो कंप्यूटराइज मशीन कैसे बनाना करके, बट देन मैंने एडिशनल चार्ज इतना ज़्यादा बता दिया कि मुझे ऐसा लगा कि ये रेट में ऑर्डर दिया ना तो हम कुछ भी करके बना लेंगे। एंड फॉर्चुनेटली एक्चुअली उसने बोल दिया ठीक है, बोले बना लो। सारे दुनिया में, यूरोप में, यूएसए के अंदर जितने भी कंप्यूटराइज मशीन बनते हैं, हर एक में इंडियन इंजीनियर का दिमाग लड़ता है। देयर आर सो मेनी इंजीनियर्स इन इंडिया। मेरे को ऑर्डर मिलने के बाद में जब मैंने सब जगह पे फ़ोन करना चालू कर दिया, हाँ, तो मुझे पता चला कि औरंगाबाद में अभय देशमुख करके एक लड़का है जो कंप्यूटराइज मशीन बना के दे सकता है। मैं तुरंत उसको अप्रोच किया, हमारा 3 महीने के अंदर फर्स्ट कंप्यूटराइज मशीन वॉज रेडी, इट वॉज डिलीवर्ड टू फ्रांस, और ये मेरा लड़का जो है वो फ्रेंच कस्टमर को चाबी दे रहा है एक्चुअली वो कंप्यूटराइज मशीन की। सो व्हेन यू हैव अ डिमांडिंग कस्टमर तो आपका डेवलपमेंट होता है एक्चुअली, तो आपका डेवलपमेंट होता है। एंड नेवर से नो एटीट्यूड,
एक्सपोर्ट के अंदर जो है ना, सामने वाले की रिक्वायरमेंट अपनी रिक्वायरमेंट से अलग हो सकती है। हाँ, कभी ना मत बोलो ठीक है तेरे को क्या चाहिए, तेरे को क्या चाहिए। यदि आपको एक्सपीरियंस लेना है तो आप चाइना चले जाइए, चाइना चले जाइए, उसके बाद गणपति की मूर्ति रखिए कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए। यस, उसको पता नहीं ये क्या है करके, उसको पता नहीं क्या है, उसको इतना ही मालूम है कि इसको क्या करने का है, 3D स्कैन करने का है, इसको 3D स्कैन करने का है, उसकी डाई बनाने की है, कस्टमर को अप्रूवल को भेजने का है, तो उसने हाँ बोल दिया तो भेज देने का है। हाँ, और उसको कितना मटेरियल लग रहा है और उसकी कॉस्ट कितनी है, उतना ही मालूम है, उसको गणपति से कोई लेना देना नहीं है। तो नेवर से नो टू योर कस्टमर की, हाँ, उसको जो चाहिए वो बना के दो, एज लॉन्ग एज ही इज रेडी टू पे फॉर इट। एंड एक्सपोर्ट के अंदर मेरे माहिती के हिसाब से लास्ट 20 साल में मेरे को किसी ने भी उधार नहीं मांगा है। उसको पता है ये उधार देने वाला नहीं है। प्रोडक्ट रेंज जो आपकी होती है, आप जब बड़े मार्केट को सर्व करते हो तो आपको अलग अलग टाइप के डिमांड्स आते हैं और आपकी प्रोडक्ट पोर्टफोलियो जो है, रेंज जो है, वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। प्रॉफिट के बारे में मैं अभी वापस से कहने की कोई ज़रूरत नहीं है, यू गेट ए हैंडसम प्रॉफिट। मुझे काफ़ी लोग कहते हैं कि यार आजकल है ना मैन पावर, मोटिवेटेड मैन पावर ही नहीं मिलता है करके, हाँ, और जब से मेरा एक्सपोर्ट चालू हुआ है तब से मेरी ये कंप्लेंट टोटली दूर हो गई, एक्चुअली टोटली दूर हो गई। हाँ, एक लड़के को जब मैं यूरोप भेजता हूँ कमीशनिंग के लिए और वो कमीशनिंग करके जब वापस आता है, $10 का टी शर्ट लेके आता है और वो टी शर्ट डाल के जब गली में घूमता है ना, वो ही इज ए किंग। आप लाख रुपए का इंसेंटिव देंगे ना तो भी उतनी खुशी उसको नहीं होती है जितनी खुशी उसको इसकी होती है कि ये टी शर्ट मैं जब फ्रांस गया था तब मैंने खरीदे वाला है। उसकी खुशी जो है ना, और कोई खुशी से नहीं होती है। यू गेट ए मोटिवेटेड मैन पावर वेन यू आर इन एक्सपोर्ट बिजनेस। और यदि आप डॉलर कमाते हो तो आप पेमेंट अच्छा कर सकते हो। यदि आप इंडियन कस्टमर को सर्व करते बैठोगे तो आपको उसके जेब में से भी 2 पैसे काटना पड़ेंगे। हाँ, यू विल नॉट गेट ए गुड मैन पावर। अच्छा मैन पावर चाहिए, आपको अच्छे पैसे देना पड़ेंगे, और अच्छे पैसे देने हैं तो आपको डॉलर कमाना पड़ेंगे। वी हैव ए प्रॉफिट शेयरिंग सिस्टम इन आवर फैक्ट्री। हम हर क्वार्टर के अंदर बैलेंस शीट निकालते हैं, अ पार्ट ऑफ अ प्रॉफिट इज शेयर्ड अमंग ऑल द एम्प्लॉयज। वी हैव चाइल्ड एजुकेशन सिस्टम, हमारे हर स्टाफ के वो वर्कर रहो या स्वीपर रहो, हर एक के 2 बच्चे तक उनका जितना भी एजुकेशन का खर्चा है उसका आधा खर्चा कंपनी देती है, आधा खर्चा वो लोग बियर करते हैं। दिस ऑल यू कैन इम्प्लीमेंट प्रोवाइडेड यू हैव अ डॉलर इनकम। हमारे औरंगाबाद के और इंडिया के बहुत सारे एडवांटेजेस है, उसमें कुछ एडवांटेजेस मैं फटाफट जाऊंगा। लो कॉस्ट ऑफ इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग जो है ये सबसे सस्ता यदि कहीं है तो हमारे यहाँ पे सबसे सस्ता इंजीनियरिंग है। हमको इसका एडवांटेज लेना चाहिए। एक्चुअली लो कॉस्ट ऑफ मैन पावर, लो कॉस्ट ऑफ इरेक्शन एंड कमीशनिंग, फ्री कॉस्ट ऑफ प्लांट इंजीनियरिंग,
ट्रेन मैनपावर सप्लाई, यदि कोई इटालियन मशीन खरीदी करता है या जर्मन मशीन खरीदी करता है और उसको बोलते हैं कि आप ऑपरेटर दोगे क्या करके, तो बोलता है पागल है क्या है? हमारे को किसी का फ़ोन आता है गल्फ कंट्री से कि हम आपका मशीन लेते हैं, आप ऑपरेटर देते क्या? हम बोलते हैं हाँ देते, वी सप्लाई ऑपरेटर विद द मशीन, जो मशीन जाके वहाँ पे चलाता है। जो आदमी यहाँ पर 12-15 हज़ार रुपये में काम करता है उसको 40-50 हज़ार रुपये का पगार मिलता है, 2 साल में यहाँ पे वो घर बना लेता है, 2 साल में यहाँ पर घर बना लेता है, और मेरे मशीन में कभी प्रॉब्लम आता है तो ओनर को बाद में मालूम पड़ता है, मुझे पहले मालूम पड़ता है। यदि कोई कॉम्पिटिटर जाके वहाँ पे मशीन बेचने की कोशिश करता है तो मेरे को फ़ोन आता है कि वो आ गया करके। तो ये जो फ्लेक्सिबिलिटी है कि वी कैन सप्लाई ट्रेन मैन पावर, ये सिर्फ इंडिया में फ्लेक्सिबिलिटी है, सिर्फ इंडिया में फ्लेक्सिबिलिटी है। हमारा मैन पावर कहीं भी जाने को तैयार होता है एक्चुअली, दैट इज आवर स्ट्रेंथ। बेटर रिपुटेशन देन चाइनियन, इंडिया से आए वाली मशीन का रिपुटेशन चाइना की मशीन से अच्छा होता है, प्रोवाइडेड हम इस बात का एडवांटेज लेते हैं। आज इक्विवेलेंट मशीन, यदि चाइनीज मशीन 80 लाख रुपए में अवेलेबल है और मेरी मशीन 90 लाख में अवेलेबल है, तो गल्फ कंट्री के अंदर आंखें बंद करके वो इंडियन मशीन लेगा, वो तो बोलेगा नो चाइनीज। बट हम उसका एडवांटेज लेने के लिए तैयार है क्या? रिपुटेशन हमारा है, मेड इन इंडिया को रेस्पेक्ट है, मेड इन चाइना को रेस्पेक्ट नहीं है। बट चाइना का सेल हमारे से बहुत ज़्यादा है इन स्पाइट ऑफ हैविंग रिपुटेशन, क्योंकि हमें ना बाहर जाके धंधा करना अभी सीखे नहीं है। वेरी लार्ज पॉपुलेशन वर्किंग अब्रॉड, इंडिया का बहुत बड़ा पॉपुलेशन वर्ल्ड के हर कंट्री के अंदर है, और कहीं भी आप जाते हो आपको कोई ना कोई इंडियन मदद करने को तैयार पक्का मिल जाता है। ये एक हिस्टोरिकल फैक्ट है एक्चुअली। ये ईस्वी सन 1700 में ये वर्ल्ड ट्रेड का जो हिस्सा कौन से कंट्री का कितना था, ये इसका ग्राफ वर्ल्ड बैंक का ग्राफ है। 24.4% इंडिया का हिस्सा था वर्ल्ड ट्रेड में, चाइना का हिस्सा 22.3% था एक्चुअली। अमेरिका वॉज नॉट प्रेजेंट एट ऑल, जो ये 24% का हिस्सा था वो धीरे धीरे करते 3.1 तक, कम से कम 3.1 तक चले गए। आपके और मेरे दादा परदादा जो थे, हमारे खून में जो है, जिनका खून बहता है हमारे में, यह वर्ल्ड का 24% धंधा कंट्रोल करते थे, और उस समय कंट्रोल करते थे जिस समय फास्टेस्ट व्हीकल वॉज घोड़ा और मोबाइल की जगह कबूतर था। देर वॉज नो कम्युनिकेशन। हमारे दादा परदादा जब एक्चुअली व्यापार करने को बाहर जाते थे तो घरवाली उनकी पूजा करती थी और टीका लगाती थी, पता नहीं ये वापस कब आएगा, और आएगा या नहीं आएगा। बट वैसी परिस्थिति में भी दिस वॉज अवर शेयर। ये मेन रूट थे एक्चुअली
सिल्क रूट, जहाँ पे बिजनेस होता था, और ये वर्ल्ड ट्रेड जो था उसमें इंडियंस का हिस्सा, बहुत बड़ा हिस्सा था हमारा। हम क्यों ये करना भूल गए, ये हमें क्यों, हमें देश के बाहर जाने को डर लगता है, हमारे माइंड में जो है ना कुछ भ्रम पैदा हो गए वाले, कुछ भ्रम पैदा हो गए वाले। और ये जो भ्रम है, ये भ्रम को निकालना बहुत जरूरी है, भ्रम को निकालना बहुत जरूरी है। सबसे पहले तो जो है ना एक भ्रम ये है कि यार मैं बहुत छोटा आदमी हूं, मैं क्यों एक्सपोर्ट करूंगा, एक्सपोर्ट तो खाली टाटा बिरला का काम है, रिलायंस का काम है, मैं एकदम छोटा आदमी हूं। ये एक भ्रम है हमारे में। यदि हम पूरे विश्व का एक्सपोर्ट मार्केट देखते हैं और उसमें छोटे आदमी का कंट्रीब्यूशन देखते हैं, तो 35% बिजनेस वर्ल्ड का जो है ये छोटे छोटे कंपनी करती है, छोटे छोटे कंपनीज करती है। इंडिया का भी एक्चुअली यदि एवरेज यदि देखते हैं हम, 35-40% एक्सपोर्ट इंडिया का जो है ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है, एक्चुअली बड़े इंडस्ट्रीज से एक्सपोर्ट कंपेरेटिवली कम है एक्चुअली। आई नीड टू हैव ए एक्सपोर्टेबल प्रोडक्ट, मैं जो प्रोडक्ट बना रहा हूँ ये एक्सपोर्टेबल है ही नहीं। मैंने आपको कहा कि यदि आप इंडिया के लिए प्रोडक्ट बनाते हो, इट इज एक्सपोर्टेबल, इट इज एक्सपोर्टेबल, खत्म। हाँ, यानी आप कुछ भी प्रोडक्ट बनाओ, सर बंडुभा मिश्री कोटकर जालना में पता होगा, कंटेनर एंड कंटेनर लोड ऑफ रोलिंग मिल की डस्ट जो है ना, रोलिंग मिल की जो डस्ट है वो एक्सपोर्ट की उन्होंने। हम एक्सपोर्टेबल प्रोडक्ट ढूंढते हैं और मट्टी भी एक्सपोर्ट हो सकती है। देयर इज समबडी हु नीड्स इट, एक्चुअली समबडी हु नीड्स इट। आई नीड वेरी हाई क्वालिटी प्रोडक्ट, इसका तो मैं बता दिया हूं। आई नीड टू बी फ्लुएंट इन इंग्लिश, अभी भी ये एक जो है ना एक्सपोर्ट और इंग्लिश इसका कोई संबंध नहीं है, एक्चुअली दूर दूर तक का भी कोई संबंध नहीं है एक्सपोर्टर इंग्लिश का। आपके जेब में जितने भी चाइनीज मोबाइल है उसका जो मैन्युफैक्चरर है उसको इंग्लिश नहीं आती, उसको इंग्लिश नहीं आती, बट उसका माल टेम्बुर्नी में जाके बिकता है, उसका माल टेम्बुर्नी में जाके बिकता है। तो इंग्लिश जो है ये जरूरी नहीं है, ये हमारे माइंड में है ना बिठा दिया गया है कि इंग्लिश के बिना नहीं चलता है। हाँ, मैं 55 कंट्री में धंधा करता हूँ, कई अरबिक लोगों से भी मेरा पाला पड़ता है जिनको इंग्लिश नहीं आती है, कई स्पैनिश लोगों से पाला पड़ता है जिनको इंग्लिश नहीं आती है, कई फ्रेंच लोगों से पाला पड़ता है जिनको इंग्लिश नहीं आती है, और आज तक मेरा कोई भी काम जस्ट बिकॉज आई कैन नॉट कम्युनिकेट विद द कस्टमर इसके लिए रुका नहीं है। और वो क्यों नहीं रुका है, क्योंकि देर इज वन कॉमन लैंग्वेज, वन कॉमन लैंग्वेज जो सारे दुनिया के हर लोग जानते हैं, एंड दैट इज लैंग्वेज ऑफ प्रॉफिट, दैट इज लैंग्वेज ऑफ प्रॉफिट। मैं एक छोटा सा उदाहरण दूंगा, सर टाइम है, सर मैं एक छोटा सा उदाहरण दूंगा। मैं पहली बार जब चाइना गया था तो चाइनीज के बारे में मेरे बात माइंड में बहुत सारी अलग अलग चीज़ें थी। 5-10 दिन चाइना में घुमा करा, लास्ट डे जब एक ही दिन बाकी था, जब याद आया मुझे कि यार वापस जाना है घर पे, जाते जाते कुछ तो भी घर वालों के लिए लेके जाएंगे घर के, तो होटल वाले ने एक एरिया का नाम बताया कि भाई वो एरिया के अंदर जो है आपको देर आर गुड स्ट्रीट वेंडर्स, आपको बहुत बार्गेन करके अच्छी आइटम मिल सकती है करके। तो मैं चला गया एक्चुअली,
रोड पे चलते चलते एक 70-75 साल की एक चाइनीज लेडी कुछ पर्सेस लेके बैठी थी। तो जैसे मैंने पर्स देखा तो मुझे ऐसा लगा कि यार मिसेस के लिए पर्स लेके जाते हैं, हाँ 10 दिन से अपन बाहर है तो कुछ तो भी अच्छी चीज़ लेके जाना चाहिए, घर में शांति बने रहेगी। तो पर्स में एक पर्स मुझे दिखा कि ये अच्छा है करके, मैंने पर्स उठाया उसको देखा चारों तरफ से, वो चाइनीज लेडी मेरे तरफ देख रही थी। फिर मैंने उसको ऐसा कहा उसने तुरंत कैलकुलेटर निकाली ऐसा प्राइस बताई मेरे को। मैंने प्राइस देखा और पूछा उसको युआन और डॉलर, ये युआन है या डॉलर है? तो उसने बोली युआन। माइंड में कैलकुलेट किया कि इंडियन रुपीस में कितना होता है और मुझे लगा यार ये तो ज़्यादा है, अपन कम बताना चाहिए। मैंने मेरा फिगर डाला, उसको बताया, उसने बोली। फिर उसने एक दूसरा फिगर डाला, मुझे बताया, मैंने कहा नहीं। फिर मैंने एक फिगर डाला, उसको बताया, उसने बोला ओके। मेरे को तुरंत पर्स पैक करके दे दिया उसने, मैंने पैसा दे दिया, वहाँ से निकल के आया। विच वॉज अ लैंग्वेज वी वर टॉकिंग। मुझे उसके प्रोडक्ट में प्रॉफिट दिख रहा था, आई हैड नथिंग टू डू विद द लेडी, इट वॉज द प्रोडक्ट विच वॉज सेलिंग, इट वॉज द प्रोडक्ट विच वॉज सेलिंग। और उसको पता था कि इसके जेब में पैसे है और इसको खरीदी करना है, उसको खरीदी करना है। शी वॉज सीइंग प्रॉफिट इन मी, आई वॉज सीइंग प्रॉफिट इन हिज ऑफरिंग, सो बोथ वेयर अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज ऑफ प्रॉफिट। तो यदि आपका प्रोडक्ट में दम है, आपका प्रोडक्ट जो है प्रॉफिट की भाषा बोलता है, तो आपको कोई भाषा सीखने की जरूरत नहीं है, एक कैलकुलेटर लेके चले जाना खाली साथ में, दैट इज मोर देन इनफ एक्चुअली। एक्सपोर्ट इज टू रिस्की, ये एक माइंड में बैठ गया वाला है, ओवर ए पीरियड एक्सपोर्टर करने वाले बर्बाद हो गए, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स क्रिएट हुए वाले हैं, उससे ऐसा लगता है कि एक्सपोर्ट इज टू रिस्की। सर बिहार में धंधा करना बहुत ज़्यादा रिस्की है, हाँ मुझे मेरा, मैंने पहले कहा कि मेरा जो कुछ भी डूबा है ना वो इंडिया में डूबा है। एक्सपोर्ट इज नॉट रिस्की बिकॉज वी आर नॉट गिविंग क्रेडिट। आपको क्रेडिट क्यों देना पड़ता है? क्योंकि आपके प्रोडक्ट में दम नहीं है, इसलिए क्रेडिट देना पड़ता है एक्चुअली। हाँ आपके प्रोडक्ट में दम क्रिएट करो, आपको क्रेडिट देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मैं नाइजीरिया जैसे कंट्री में मैं धंधा करता हूँ। वेरी रिसेंटली माय डॉटर वेंट टू कंट्री लाइक होंडुरस व्हिच इज़ कंसिडर्ड एज वन ऑफ द डेंजरस कंट्री इन साउथ ऑफ मेक्सिको, हाँ वहाँ जाके वो एक ऑर्डर लेके आई, एक ऑर्डर फाइनल करके आई। सो यदि आपका प्रोडक्ट प्रॉफिट की भाषा बोलता है तो आपको दूसरा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अभी हाउ टू डू इट, ठीक है एक्सपोर्ट बहुत अच्छा है बट करना कैसे है? एग्जीबिशंस में पार्टिसिपेट करो, एग्जीबिशंस में
पार्टिसिपेट करो। वह सेठ आदमी जो है जिसके पास बहुत पैसे है उसको लकड़ी चाहिए, बट ही इज़ नॉट गोइंग टू ट्रैवल टू दैट विलेज। हाँ, वो विलेजर को एक्चुअली वहाँ जाना पड़ेगा एक्चुअली। हाँ, वैसा हमें जो है हमारे कंफर्ट जोन में से बाहर निकल के इंटरनेशनल एग्जीबिशंस में जाना पड़ेगा। हमारी ऑफरिंग जो है वो हमारे को बताना पड़ेगी एक्चुअली। हाँ, घर बैठे एक्सपोर्ट नहीं हो सकता। पार्टिसिपेट इन इंटरनेशनल एग्जीबिशंस, नेटवर्क विथ NRIs, फाइंड आउट वॉट इज गोइंग ऑन इन द वर्ल्ड, ट्रेड इन योर ओन फील्ड। आपके फील्ड के अंदर वर्ल्ड में क्या चल रहा है ये मालूम करने के लिए आपको खाली वेब पे बैठना है। आप में से मैक्सिमम लोग वेब पे बैठते हैं और वहां पे टाइम कैसे चला जाता मालूम नहीं पड़ता है। बट मैं जो धंधा करता हूं वो धंधे की सिचुएशन सारे वर्ल्ड में कैसी है उसके लिए यू यूज द वेब, उसके लिए आप वेब यूज करो। देर यू विल कम आउट विथ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज। यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, जैसे मैंने कहा कि उस समय टेक्नोलॉजी नहीं थी तो भी हमारे परदादा धंधा करते थे, और आज इतनी टेक्नोलॉजी है, हाँ, उसके बावजूद भी हम एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं। इस टेक्नोलॉजी का हमारे को ज़्यादा से ज़्यादा यूज करना है। ईमेल्स है, स्काइप है, अपने एक अच्छी वेबसाइट होनी चाहिए। और आजकल जो है यदि आपको सबको पता होगा कि यूट्यूब इज़ बिकमिंग ए लर्निंग सेंटर। यदि आप कोई अच्छा प्रोडक्ट बनाते हो उसका एक अच्छा वीडियो बना के यूट्यूब पे अपलोड कर देते हो तो ऑल द चांसेस आर देयर कि कोई तो भी नॉर्थ पोल पे बैठा वाला एस्किमो जो है उसका आपको ईमेल आएगा कि भैया इसका प्राइस कितना है करके। मेरा एक ईएन 1000 का एक वीडियो है जो मैंने एक साल पहले पोस्ट किया था, अराउंड 5 लाख हिट्स मेरे को मिले उसके ऊपर। 5 लाख लोगों ने वो वीडियो देखा है एक्चुअली। हम सब लोग जो है ना YouTube देखते हैं, बट वेन वी नेवर थिंक कि YouTube इज ए ये वर्ल्ड का मार्केट पकड़ने का सबसे आसान तरीका है एक्चुअली। कोई किसी को भी कोई मशीन खरीदी करनी होती है तो फट YouTube पे जाता है, देखता है क्या अवेलेबल है, कौन सा मशीन है, उसका डेमो है क्या। पर खरीदी करते टाइम पे हम उसका वापर करते हैं, पर बेचने के लिए वापर करना चाहिए यह सोचने को हमें थोड़ा सा वक्त लगता है। बट हम सब ये टेक्नोलॉजी जो है हमने यूज़ करना चाहिए। पावर ऑफ ई कॉमर्स जो है इसको हमने यूज़ करना चाहिए। हमारे माइंड में जो है बचपन से जो है, मैं स्कूल में जो था ना तो हमारे टीचर जो है ना भारत का नक्शा बनाओ, कश्मीर, असम, लंका, इधर गुजरात करके हम ऐसा नक्शा बनाते थे हरदम। और ये नक्शा मेरे माइंड के अंदर इतना फर्मली बैठ गया है एक्चुअली। बट दिस इज पॉलिटिकल मैप, ये पॉलिटिकल मैप है। 1992 में जब से ग्लोबलाइजेशन शुरू हुआ है पॉलिटिकल मैप हैज रिमेन्ड, बट इकोनॉमिक बॉर्डर जो है वो खत्म हो गई। बट हमारे माइंड में आज भी जो है ना पॉलिटिकल बॉर्डर को हम इकोनॉमिक बॉर्डर समझ के चलते हैं, सर जानना से आसाम मेरा मशीन का कंसाइनमेंट जाता है तो उसका भाड़ा जो है, जालना से दुबई माल जाने से डबल है। दुबई माल सस्ते में जाता है। सो विच इज़ नियरर कंट्री टू मी,
नज़दीक का मार्केट कौन सा है? दुबई मेरे नज़दीक का मार्केट है, बट वो मेरे रडार में नहीं है, मेरे रडार में नहीं है, क्योंकि मैं ना ये बॉर्डर के बाहर का सोचता ही नहीं हूँ, बॉर्डर के बाहर का सोचता ही नहीं हूँ। औरंगाबाद दिल्ली फ्लाइट कई बार, मोस्ट ऑफ द टाइम मुंबई दुबई से महंगी होती है, मुंबई दुबई से दिल्ली जाने को अपन पटाख तैयार हो जाते, बट दुबई जाने का ना तो अपने को घाम फूटतो, मंदन घाम फूटतो। कारण यह है कि ये जो बॉर्डर हमारे माइंड में जो बैठ गई है ना, ये बॉर्डर ब्रेक करना जरूरी है। माहेश्वरी समाज जो है ये शंकर भगवान के भक्त है, और यह एक ही भगवान ऐसा है जो डिस्ट्रॉय करने वाला भगवान है। डिस्ट्रॉय करने वाले को ईसाई धर्म में शैतान बोलते हैं, बट हमारे धर्म के अंदर डिस्ट्रॉय करने वाले को भी भगवान का ये दिवाला है। और यह हमारी जो मेंटल ब्लॉक है माहेश्वरी समाज का, इसको डिस्ट्रॉय करके एक नई बॉर्डर बनाने का काम मुझे लगता है कि शंकर भगवान के भक्त जो है ये इसको आराम से कर सकते हैं, एक्चुअली इसको आराम से कर सकते हैं। आपका अगला बिजनेस डेस्टिनेशन जो है वह ये बॉर्डर के बाहर रहना चाहिए। यदि आप एक्सपोर्ट करना नहीं चाहते हो और डिसाइड कर लिया आपने कि आता बस झालं, आता आपल्याला रिस्क घ्यायची नाही, आपण जे करत आहो तेच बरं आहे, त्याच्यात काही हरकत नाही, पण आपकी अगली पिढी यदि वो आपको बोलता है कि मैं दुबई जाके धंधा करना चाहता हूँ, कम से कम उसकी टांग मत खींचो, उसको तो कम से कम बाहर जाने दो, अगली पीढ़ी को बाहर जाने से रोको मत, अगली पीढ़ी को बाहर जाने से रोको मत। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। देने के लिए एक छोटी सी कहानी कहूँगा, हाँ, इफ टाइम अलाउज मी आई विल टेक 2 मिनट्स। हाँ, आज से कुछ 7-8 साल पहले मेरे पास एक कोकन से, कोकन रीजन जो है वहाँ से एक कस्टमर आया था, पूरा ड्राइव करके आया जालना मशीन खरीदी करने के लिए, तो उसने साथ में अपने दोस्त को साथ में लेके आया था। हमारा मशीन का डीलिंग होगा, ऑर्डर फाइनल होगा, हम खाना खाने को गए वाले थे, तो खाना खाते खाते मैंने वो जो उसके साथ में फार्मर आया था उसको, सॉरी उसके साथ में जो दोस्त आया था उसको पूछा मैं कि भाई आप क्या करते हो, तो उसने कहा मेरा फार्मिंग है। बोले मेरा, अब मैं बात आगे बढ़ाने के लिए मैंने पूछा किस चीज़ का फार्मिंग है, तो बोले नहीं, बोले मेरा ना वली लो पारजीत 40 एकड़ की ज़मीन है,
तर आम्ही भात आणि थोडासा आमराई आहे हे आहे. पण मी आता 20 एकरमध्ये रबर प्लांटेशन लावतोय, रबर प्लांटेशन लावतोय. मेरे को रबर के खेती के बारे में कुछ मालूम नहीं था, इसलिए मैंने पूछा उसको कि रबर प्लांटेशन क्या होता है, कैसा होता है. तो बोला कि हमारा केरला का इन्वायरमेंट, कोकण का इन्वायरमेंट और केरला का इन्वायरमेंट सेम है और रबर नेचुरल रिसोर्स है, इसका भाव हरदम बढ़ने वाला है. तो मैं केरला से एक्चुअली रबर के झाड़ लेके आया और अभी मैंने 20 एकड़ में रबर प्लांटेशन लगा दिया. फिर मैंने उसको पूछा कि भाई ये रबर की खेती कैसे होती है. तो बोले प्लांटेशन लगाने के बाद में 7 साल के बाद पहला रबर निकलता है, 7 साल के बाद पहला रबर निकलता है. पर एक बार पहला रबर निकलता है ना तो 35 साल तक वो रबर निकलते रहता है. कुछ भी मशागत जे करायची ना ते पहिले 7 वर्षच करायची, त्याच्यानंतर काही करायची गरजच नाही. आणि माझं जेव्हा पहिला रबर निघेल ना, मी हे 20 एकर जे आहे ना त्यालाही रबरची शेती करणार. आणि 7 वर्षापर्यंत हे 20 एकरमध्ये माझी शेती परंपरागत मी चालू ठेवेल आणि त्याच्या पैशातून याची मशागत करणार मी. मेरे बेटे को मैं 40 एकर की रबर खेती दे के जाऊँगा, ऐसा बोल के चले गया वो. मैं आया फैक्ट्री में वापस, मैं बोला ये अनपढ़, अनपढ़ नहीं बोलना चाहिए बट एक खेती वाला अनपढ़ आदमी 7 साल के बाद में रिटर्न्स आने वाले हैं तो भी अपने 50% रिसोर्सेस डालने को तैयार है. और हम स्मॉल स्केल इंडस्ट्री वाले मशीन खरीदी करेंगे तो मशीन आने के बाद में 1 महीना कमाई चालू झालीच पाहिजे. 1 साल के अंदर यदि मशीन कमाई नहीं देने वाली है ना, आई विल नॉट परचेज द मशीन. इट्स अ वाइज डिसीजन टू पोस्टपोन द डिसीजन, पोस्टपोन द मशीन परचेजिंग डिसीजन. ये दुनिया में जो है ना, जो लॉन्ग टर्म रिटर्न्स के ऊपर ध्यान देते हैं उसको ही अच्छे रिटर्न मिलते हैं, उसको ही अच्छे रिटर्न मिलते हैं. आवर आइडियाज आर रबर प्लांटेशंस. हो सकता है कुछ आइडियाज में 3 साल के बाद में रबर निकले, कुछ आइडियाज में 5 साल के बाद रबर निकले. और आपके सवाल का जवाब यह है कि वो खेती वाला 50% रिसोर्स रबर की खेती के लिए डालता है जहाँ पे लॉन्ग टर्म रिटर्न मिलने वाला है, और 50% रिसोर्स अपना जो रोज का काम चालू है जिसमें रोजी रोटी निकलती है उसमें लगाता है. दैट इज़ अ बेस्ट स्ट्रेटजी. आपको आपके रिसोर्सेस कम मार्जिन वाले धंधे में फुल्ली गुज जाने का है, इट्स योर चॉइस, इट्स योर चॉइस. बट यदि आपको रबर की खेती करनी है और 35 साल तक आपको रबर निकालना है तो आपको आपका 50% रिसोर्स रबर की खेती में लगाना है और बचे वाला जो 50% है उसको इफिशियंटली चलाना है. आई होप आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन. थैंक यू सर. एक क्वेश्चन ऐसा है कि बेसिकली जब अपन कोई मार्केटिंग के बारे में सोचते हैं, स्मॉल स्केल वाले, स्मॉल स्केल वाले जो लोग होते हैं उनका लास्ट प्रेफरेंस मार्केटिंग डिपार्टमेंट होता है, जो नजदीक मार्केट मिलता है वही वो करते हैं. और बहुत जने का ही प्रॉब्लम है, मेरा खुद का भी कई बार फास्ट में प्रॉब्लम है. नहीं सवेरे उठो, फैक्ट्री में जाओ, एक बार रूटीन देखो. तो ये जो माइंडसेट है उससे कैसे बाहर निकलें?
आप कैसे निकले और हमने कैसे निकले? उसके लिए आपकी मिसेस ने जब कभी भी आपको बोली कि सत्यनारायण की पूजा करो तो मना नहीं करने का। हाँ, भगवान आपको बहुत आइडियाज देता है। मुझे पता नहीं है कि वो लड़की के माइंड में क्या आइडियाज है, बट आई एम श्योर कि उसके माइंड में एक रबर की खेती है। एक्चुअली आई एम श्योर, एक्चुअली उसके माइंड में एक आइडिया है, एंड दैट आइडिया हैज बीन गिवन बाय गॉड। वी हैव टू बिलीव इन दैट आइडिया। वो प्रसाद को जो है ना नीचे नहीं डालना है, नीचे नहीं डालना। आपका मैं ये तीसरा चौथा स्पीच सुन रहा हूँ, तो फ्रॉम फर्स्ट योर स्पीच आई ट्राइड टू एक्सपोर्ट सम समथिंग समथिंग समथिंग। अभी हमको काफी ब्रेक भी मिलता है, मींस वी गेट लॉट ऑफ एक्सपोर्ट इंक्वायरीज, ठीक है, उसमें से ओनली 10% ऑफ देम गेट मटेरियलाइज टू अस, 90% स्टिल वी आर स्ट्रगलिंग। द बेसिक प्रॉब्लम इज कि इंक्वायरी जो आता है ना वो डाइवर्सिफाइड है, मींस जो फील्ड में हम लोग काम भी नहीं करते उसका भी इंक्वायरी कभी आ जाता है, जो फील्ड में हम लोग कर रहे हैं और उतना वॉल्यूम्स नहीं कर सकते उसका भी इंक्वायरी आ जाता है। ऑन दैट बेसिस वी आर वेरी अनसर्टेन व्हाट टू कोट, वेदर वी शुड कोट, वी शुड नॉट कोट, वेदर वी शुड, जैसे आपने बोला कि नो नहीं बोलना चाहिए, बट इफ इट नॉट माई ग्रेड ओनली हाई हाउ कैन आई गो फॉर दैट इंक्वायरी, वहां पे बहुत कभी कभी दिक्कत आ जाती है। नहीं, इसके लिए जो है ना, जैसे मैंने कहा था कि अपना अपना बिजनेस जो भी है इसका मेरा वर्ल्ड में स्टैंडिंग क्या है, मेरा वर्ल्ड में स्टैंडिंग क्या है, इसका वेब के ऊपर स्टडी करना चाहिए। और आपका वर्ल्ड मार्केट के अंदर स्टैंडिंग जो है आपके बिजनेस में बढ़ाना चाहिए आपने। हाँ, यदि आपको ऐसा लगता है कि मुझे कुछ कंपोनेंट के ऑर्डर आते हैं जो मैं ऑलरेडी बनाता हूँ पर बहुत बड़ी क्वांटिटी में ऑर्डर आ रहे हैं, बहुत बड़ी क्वांटिटी में ऑर्डर आ रहे हैं, हाँ, उसके कारण मेरे को मना करना पड़ रहा है, दिस इज अ अपॉर्चुनिटी, उसमें एक्सपांड करो। बिजनेस आएगा तो ही मैं एक्सपांड करूँगा, बिजनेस आएगा तो ही मैं एक्सपांड करूँगा, ऐसा नहीं है। आपको रबर की खेती लगाना पड़ेगी, रबर जरूर आएगा, रबर जरूर आएगा, खेती पहले लगाना पड़ेगी। मेरे को रबर मिलेगा तो ही मैं खेती लगाऊंगा, अदरवाइज मैं नहीं लगाऊंगा, ये एटीट्यूड से नहीं जाना चाहिए। हाँ, वो किसान जो है वो रबर की खेती लगाता है तो उसको एक विश्वास होता है कि ये प्लांट में 7 साल के बाद में रबर निकलेगा, और वो विश्वास के कारण उसके 7 साल का पेशेंस जो है वो इट इज बेस्ड ऑन दैट फेथ। यदि उसको पता रहता था कि रबर का प्लांट लगाने के बाद में कभी कभी रबर आता है, कभी कभी रबर आता ही नहीं है, तो वो 7 साल वेट नहीं कर पाता। तो हमारा जो आइडिया है उसमें हमारा विश्वास होना चाहिए कि यस, ये मेरा आइडिया है, ये फॉर श्योर इट विल गिव मी द रिजल्ट्स, मे बी इट विल गिव रिजल्ट लेट, मे बी इट विल गिव रिजल्ट लेट। और इस विश्वास के साथ जो है कुछ पर्टिकुलर लाइन में जहाँ पे अपनी स्ट्रेंथ है वहाँ पे हमने वर्ल्ड लीडर बनना चाहिए, वर्ल्ड लीडर ही बनना चाहिए, उससे कम टारगेट नहीं रखना चाहिए, एंड वो पर्टिकुलर फील्ड में डोमिनेट करना चाहिए। हाँ, विनोद राय इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड, यह कंपनी वर्ल्ड की नंबर 1 रोटेशनल मोल्डिंग मशीन कैसे बनेगी, यह एम से हम काम करते हैं। शायद बनेगी, शायद नहीं बनेगी, ये बात की बात है, एक्चुअली ये बात की बात है, बट हमारा एम जो है वह वर्ल्ड मार्केट में मेरी स्टैंडिंग क्या है यह देखने की है। हाँ, कल उठ के आपके वही प्रोडक्ट के अंदर जहाँ पे आप छोटा प्रोडक्शन कर रहे हो, कल कोई चाइना वाला, जापान वाला इंडिया के अंदर
डीएमआईसी के अंदर बड़ा प्लांट डालेगा, सारे वर्ल्ड को सप्लाई करेगा और इंडिया का मार्केट भी खा जाएगा एक्चुअली. यू विल बी नो हेयर, यू विल बी नो हेयर. तो आपको फोकस करके एक पर्टिकुलर सेक्टर के अंदर आपको आपका वर्ल्ड में स्टैंडिंग बढ़ाना है. थैंक यू. एक्चुअली मेरा है ना 45 मिनट का एक प्रेजेंटेशन है, हाउ टू पार्टिसिपेट इन एग्जीबिशन. तो मैं ना, आप ईमेल आईडी दीजिए, मैं आपको फॉरवर्ड करता हूँ. बहुत ही सिंपल है. अगेन, आप शायद फार्मर बैकग्राउंड है नहीं आपका, फादर का या किसी का होगा ही होगा, होगा ही होगा. एक छोटे से विलेज में एक फैमिली के ऊपर बहुत प्रॉब्लम आ जाते हैं. तो वो फार्मर क्या करता है, उनका चार पांच मुर्गी लेता है, बांधता है उसको. वो आठवाड़ी बाजार रहता है ना, वो आठवाड़ी बाजार में जाता है, वहाँ खड़े रहता है, मुर्गी पकड़ता है ऐसा, खड़े रह जाता है ऐसा मुर्गी पकड़ के. वो आने जाने वाले उसको पूछते कितने की है, तो बोलता 35 रुपये किलो, 35 रुपये किलो. तो बोलता वो बाजू वाले की मुर्गी तो बहुत अच्छी दिख रही है, और वो 30 रुपये किलो की है करके वो चले जाता है. फिर दूसरा आदमी आता है, फार्मर को पूछता है क्या किलो है, फार्मर बोलता 32 रुपये किलो. वो बोलता नहीं 32 नहीं, 30 में देता क्या, वो बोलता ले ले, उसको दे देते, उसको दे देते. आठवड़ी बाजार में एक फार्मर मुर्गी लेके खड़े रहता है ना, उसमें और सुनील रायठट्ठा में जो एग्जीबिशन में स्टॉल लगाता है कोई फर्क नहीं है. आपको आपका माल बेचना है तो मार्केट में खड़े रहने की हिम्मत करना पड़ेगी. सबसे पहले एग्जीबिशन में मैं जब पार्टिसिपेट किया था, भगवान की दया से एक्सपोर्ट ऑर्डर मिल गया, बट बाकी बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली. कई लोग आके बोलते थे यार बहुत महंगा मशीन है, ये फीचर नहीं है इसमें, ये इनकन्वीनियंट है, ये प्रॉब्लमेटिक है, लिटरेचर बराबर नहीं है आपका, प्रेजेंटेशन बराबर नहीं है. तो ये सब चीज़ें सीखने को मिली. यदि मुझे एग्जीबिशन के जाने के बाद में यदि मुझे पता चलता है कि मेरे प्रोडक्ट में क्या लैकुना है, तो दैट इज़ द बिगेस्ट अचीवमेंट. मुझे रास्ता मिल गया मेरा R&D करने का, कि मुझे क्या करना है करके. तो एग्जीबिशन में जब हम पार्टिसिपेट करते हैं तो इट इज़ नॉट फॉर जस्ट ऑर्डर्स, इट इज़ नॉट फॉर ऑर्डर्स. मेरा मार्केट में स्टैंडिंग क्या है, मैं समझ के चल रहा हूँ मेरी मुर्गी 35 रुपए की है, बट मेरे से अच्छी मुर्गी बाजू में 30 रुपए में मिल रही है. ये जो है ना अपने भेजे में कब घुसता है, जब मार्केट में हम मुर्गी लेके खड़े रहते हैं. तो मेरे को ईमेल आईडी दीजिए, मेरा प्रेजेंटेशन मैं आपको दीजिए.